देश की आज़ादी के बाद सरकार ने देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। विद्युतीकरण होने के बाद भी यहां के ग्रामीणों को उजाला नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, रात होते ही ग्रामीणों को जंगली जानवरों का डर सताता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत पेंड्री के नवापारा में रहने वाले लोगों को आज भी अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है, और जब गाँव में विद्युतीकरण किया गया था तब ग्रामीण काफ़ी खुश थे। अब ग्रामीणों को रात में उजाला मिल सकेगा, लेकिन कुछ माह बीत जाने के बाद ट्रांसफार्मर खराब हो गया और ग्रामीण पहले की तरह ही लालटेन या डिबरी जलाकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पेंड्री के नवा टोला का मामला आया है जहां एक ट्रांसफार्मर खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक वहां समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, पेंड्री में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 10 KVA के है ना, तो वो ट्रांसफार्मर भी बंद हो गया है, तो उसके जगह पे अभी हम क्या लोड बढ़ा के नया ट्रांसफार्मर दे रहे हैं उसको, तो उसका टेंडर वगैरह हो गया है और ठेकेदार को भी अलॉट हो गया है, जल्द ही उसका काम पूर्ण करके वहाँ ट्रांसफार्मर दे देंगे। बार गए हम लोग बिजली ऑफिस में, औती भी रखे हैं उसका, तो कोई मैंने लगवाने का कोई गुंजाइश नहीं दे रहे हैं उधर से। कब से ट्रांसफार्मर खराब है? 3 साल। 3 साल से खराब है? 3 साल से। अधिकारी के पास गए हो एक आध बार? मैं गया था मनेंद्रगढ़, तो क्या बोले थे? तो बोल रहे थे कि लग जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। और रात में किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत होता है, जानवर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो वहाँ पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है।